हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है पार्ट 1 का, एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म का, टू एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द फ्रूट सैंपल। यानी हम किसी एक फ्रूट सैंपल से किस तरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो हम देख लेते हैं कि इसका जो एम हमें दिया था, एम हमारा वही था कि जो डीएनए है वो हमें किससे एक्सट्रैक्ट करना है, एक फ्रूट सैंपल से। ठीक है, तो आप कोई भी एक फ्रूट सैंपल ले सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही फ्रूट सैंपल से, कोई भी आप फ्रूट ले हो उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, सेम होगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा एक चीज़ से। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी हमें यही देखना है कि किस तरह से आप जो डीएनए होता है, ऑल प्लांट डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल, कंपैरिजन ऑफ द बेसिक स्टेप्स ऑफ द डिसरप्शन ऑफ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू रिलीज द डीएनए इनटू द सॉल्यूशन, फॉलोड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ द डीएनए एंड एंश्योरिंग रिमूवल ऑफ द कंटामिनेटेड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि क्यों हम लोग जो डीएनए है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन लगेगा, कोई ना कोई अपैरेटस लगेगा, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको अच्छे से दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें एक जो प्लांट है बनाना का, एक फ्रूट है, उसके अंदर से किस तरह से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसका पूरा यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बनाना लिया है, उसको कट किया है, उसके बाद उसको क्या किया है, ऐड लिक्विड सोप एंड द सॉल्ट प्लस वाटर, उसके बाद उसको मिक्स किया है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर फिल्टर करके उस सॉल्यूशन को हमने किस में लिया है, एक छोटे से फिल्ट्रेट में लिया है। ठीक है, उसके बाद उस मिक्सचर को हमने क्या किया है, IPA एडिशन अलोंग द वॉल्स, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, DNA फ्लोटिंग के लिए हमने उसका ये किया है, और हमें उससे डीएनए का जो सैंपल है वो पता चलेगा कि इसके अंदर डीएनए कौन सा है, क्या क्या है, सब चीज़ें हमें उससे पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे उसका पूरा प्रोसीजर दिया है कि आपको किस तरह से वो पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप। ठीक है, और आप इसमें से जो भी प्रैक्टिकल होता है आप पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ो, रीड करो और समझो, उसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप कोई ना कोई स्टेप मिस कर दोगे, और साथ में ही जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपको जब लास्ट आएगा, लास्ट लास्ट आपका जब रिजल्ट आने वाला रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमसे ये स्टेप मिस हो गया है, और आप वापस करने जाओगे तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। तो आप 10 मिनट लीजिए और आप पूरा प्रोसीजर पढ़ के उसके बाद समझ के कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो डीएनए प्रेसिपिटेट होता है आउट इनटू द अल्कोहल लेयर, यानी जो डीएनए होता है वो अल्कोहल लेयर से बाहर आता है, और ये क्या होता है, अपेयरेंस ऑफ वाइट स्ट्रिंजी म्यूकस, यानी म्यूकस आपने देखा होगा उसके जैसा ही ये क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर है, फर्स्ट वन का है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड का है एडिनाइन एंड द ग्यूअनाइन, ठीक है, थर्ड का है हिस्टोटीन एंड द बेसिक प्रोटीन, फोर्थ का है GATCAATGC, ठीक है, एंड द फिफ्थ का है ए पेंटोस सुगर राइबोस और द डी ऑक्सी राइबोस प्लस ए नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें इसे बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि वेयर द डीएनए फाउंड इन द सेल, तो डीएनए कहाँ फाउंड होता है, एक तो न्यूक्लियस में, ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी जो पूरे बॉडी को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, उसके उसके अंदर क्या डीएनए मिलता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिटर्जेंट इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो डिटर्जेंट यानी जो नॉर्मल आप कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज करते हो उसका क्या रोल है आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए, तो वो क्या करता है, जितने भी लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उन्हें क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और डिजोल्व कर देता है सेल के अंदर, इससे आपको जो डीएनए है वो फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, व्हाई सॉल्ट इज एडेड टू आइसोलेटेड डीएनए, तो सेम इसका भी वही है कि जो सॉल्ट होता है वो सील्ड द नेगेटिव फॉस्फेट एंड द डीएनए विच अलाउ द डीएनए ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ये भी सेम वही काम करता है जो डिटर्जेंट करता है। एंड द फोर्थ वन विल बी व्हाई इज द चिल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, यानी एकदम
जो ठंडा माहौल होता है यानी एकदम वहाँ का जो टेम्परेचर होता है किसी भी लेबोरेटरी का वो बहुत कम होता है जहाँ पे डीएनए का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये जो डीएनए का एक्सट्रैक्शन क्यों एकदम चिल्ड कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो डीजनरेशन है वो बहुत अच्छे से होता है और उसका डीजनरेशन का एकदम धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है, इसके लिए उसको चिल्ड कंडीशन में किया जाता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सबसे मेरा प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।